जाम चिड़िया बाजार, चिड़िया बाजार ये ऊपर दूर एक पास है। हे गाइस वेलकम बैक टू व्लॉग। और गाइस अभी मैं ऐसे मार्केट में जाने वाला जहाँ पर गाइस बहुत सारे बर्ड्स हैं, और आज मैं जो भी ऐसे बर्ड्स होंगे जो बर्ड्स हमारे नेचर में सर्वाइव कर सकते हैं उन बर्ड्स को हम लेकर रिलीज़ करेंगे वहाँ से। अगर वाइल्ड जितने भी होंगे उनको रिलीज़ करेंगे। फर्स्ट हमारे ये मेरी तरफ से एक कुछ अच्छा करने की मुहिम है, और ऐसी का रिलीज़ नहीं करेंगे, घरों से रिलीज़ नहीं करेंगे, प्रॉपर जंगल में जाकर रिलीज़ करेंगे जहाँ पर इनके जैसे बहुत से नेटिव होंगे और वहाँ पर ही आराम से अपनी लाइफ आगे आराम से सर्वाइव कर पाएंगे और अपना जो भी अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए गाइस हम इस मार्केट में चलते हैं। भैया लाल टीला कहाँ? लाल टीला कहाँ है? लाल टीला जहाँ चिड़िया बाजार, चिड़िया बाजार ये ऊपर दूर एक पास है। तो गाइस हम लोग पहुँचने वाले हैं लाल टीला। लाल टीला यहाँ पे एक नया चिड़िया बाजार है, देखते हैं। इन गलियों से जा रहे हैं, बहुत खतरनाक गलियाँ हैं, और वैसे भी आज थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, हल्की हल्की धूप निकल आई है। भैया लाल टीला कहाँ? लाल टीला भैया टीला कहाँ है? लाल टीला चिड़िया बाजार जा नहीं रहे। तो हम इन गलियों से जाकर बताया कि आप इस तरफ जाओ, राइट से लेफ्ट ले लो। हम लोग राइट से लेफ्ट ले रहे हैं, आई थिंक वहाँ पर हमें लाल टीला जो कहते हैं नया टीला मिल जाएगा, जहाँ पर आजकल बर्ड बहुत सारे आए हैं। चलिए हम लोग पहुँचते हैं, यही है। गाइस जब मैं इस मार्केट में गया तो यहाँ पर एक बहुत ही बुरी कंडीशन में मुझे एक पैरेट दिखा था जो कि बॉक्स में पड़ा हुआ था। बहुत ही बुरी कंडीशन थी, ऐसा लग रहा है इसके आईज़ में बहुत तगड़ा इन्फेक्शन हुआ है, और अगर मैं इसको रेस्क्यू नहीं करूँगा तो ये बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा। हालाँकि बहुत इसकी बाइट फोर्स तेज होती है, तो किसी तरह मैंने हाथ पे पकड़ने की कोशिश करी, बट इसने बहुत तेज मेरे को काट दिया, बहुत तेज काटा। तो फाइनली मैंने इसको बॉक्स पर रख दिया है, लेकिन इसकी कंडीशन देख के तो बहुत बुरी है। अगर इसको एक दो दिन ऐसे ही यहाँ पर रह गया तो इसका बचना मुश्किल हो जाएगा। आप देख सकते हो इसकी जो आईज़ में कितना तगड़ा इन्फेक्शन है, और ये इन्फेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस पैरेट के ऊपर। और आई थिंक इसको सूखे की बीमारी भी लग गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर इसका ट्रीटमेंट जल्दी नहीं हुआ तो इसका बचना मुश्किल हो जाएगा। चलिए गाइस सबसे पहले मैं इसको लेके इसको ट्रीटमेंट करता हूँ। सो गाइस जैसा कि हम इस एरिया में आ चुके हैं, और ये जो एरिया है आप इसको मिनी जंगल भी बोल सकते हो, ये पूरे आसपास के बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ है। और ये ऐसा नहीं कि अभी ये पेड़ लगे हुए हैं, बहुत पुराने पेड़ हैं, मोर देन 20, 30, 40, 50 ईयर्स पुराने पेड़ हैं। और यहाँ पर बहुत सारे पैरेट्स अपना नेस्टिंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, या फिर खाना या अपने फूड के खोज में भी यहाँ पर आते हैं। तो ये एकदम सही जगह है इनके लिए, इन पैरेट्स को रिलीज़ करने का एकदम बिल्कुल करेक्ट प्लेस है। और ये पैरेट कोई घरों वाले पैरेट नहीं गाइज, ये वाइल्ड पैरेट है। जो लोग इनको पकड़ लेते हैं, पकड़ के अपने पास रखते हैं और इनके साथ गलत करते हैं, उनसे मैंने इन पैरेट्स को छुड़वाया है। और अभी टाइम इनको रेस्क्यू करके अभी टाइम रिलीज़ करने का है, क्योंकि अभी नहीं किया तो कब किया है? कब तक ये छोटे से केज में कैद रहेंगे? बहुत दुख की बात है गाइज, और मैंने एकदम सही डिसीजन लिया है। आई होप कि गाइज आप में से काफ़ी लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे, उनको भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा। और इस तरीके का आप कहीं भी होते हुए देखते हो, प्लीज़ आप इनको रिलीज़ करो, और रिलीज़ भी ऐसी जगह करो जहाँ पे गाइस इनका इनको इनके जैसा नेचर मिल सके, फूड मिल सके, इनके नेटिव यानी कि इनके इनकी स्पीसीज़ खुद की मिल सके, ताकि उनके साथ रह के सर्वाइव कर सके और आगे की लाइफ बढ़ा सके और अपनी जो जनरेशन है उसको भी आगे बढ़ा सके गाइस। सो गाइस अब हम इनको जल्दी से हम रिलीज़ करते हैं, ताकि ये पैरेट 2x2 के केज से आज़ाद होकर अपने नेचर में जा सके गाइस। कि हमने आज बर्ड रिलीज़ करे, और एक कहते ना कि जब भी आप ऐसी जगह आओ तो कुछ अच्छा काम करो, और ये हमने किया आज।
और इतने सारे यहाँ पे बर्ड्स देख के अच्छा लगा। वो बर्ड भी जब उड़ के गया लास्ट वाला, तो वो अपने सही जगह पे चला गया। और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि वो एक नई कॉलोनी बनाए, नई बस्ती बनाए, उसे भी अपना एक आशियाना मिले। और ये सबसे और बेस्ट पैदा करे, हाँ ये सबसे बेस्ट जगह है। अब यहाँ से आगे निकलते हैं, आगे जर्नी करते हैं। आई होप कि आपको छोटा सा ये पैरेट का व्लॉग अच्छा लगा होगा। पैरेट को लोगों ने रखा है वो बिल्कुल विच इज़ नॉट गुड, और ये सही भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सारे वाइल्ड वाले पैरेट थे जो उनको कैप्टिव कर रखा था, पकड़ रखा था, उनको हमने रिलीज़ करा। रिलीज़ घर से नहीं करना चाहिए किसी पैरेट्स को। आप करो तो ऐसी एज करो जहाँ पर उनके स्पीसीज हों, ताकि वो उन स्पीसीज के साथ घुल मिल जाएँ और आगे की अपनी जर्नी कर सके। हाँ, तो अगर वैसा पैरेट होगा, बच्चे से इसने बड़ा कर रखा होगा, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी वाइल्ड है, वाइल्ड किसी को पकड़ा है फिर उसको वो कर रहा है, तो उसको आप कर सकते हो। वही मैंने किया, ये वाइल्ड पैरेट थे और ये सारे पैरेट अपनी स्पीशीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और आई होप, आशा करता हूँ कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और खुशी होती है गाइज जब भी हम लोग ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं, और हम आप लोग से भी करते हैं कि यार इनडेंजरस स्पीसीज़ है, तो इन स्पीसीज़ को जितना हो सके उतना मतलब कोशिश करो कि कहीं आप दिखे, तो खासकर वाइल्ड हो तो प्लीज़ उनको रिलीज़ करो। और कुछ ऐसी कंडीशन देखते हैं, जैसे मुझे एक बहुत बुरी कंडीशन में एक पैरेट मिला था, उसके आते आई थिंक बहुत ज़्यादा। तो मैं कहने का, या आसपास के आप जो आपके रेस्क्यूअर टीम होती है उनको दे दो, ताकि वो ट्रीटमेंट करके बचा सके। क्योंकि आप बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा पैरेट को सर्वाइव करने के लिए, दूसरा अगर वो बुरी कंडीशन उनको बीमार हो जाए तो उनको क्या खिला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से आप ज़रूर करो, ताकि वो बच सके और आगे की स्पीसीज उनकी चल सके। तो ठीक है गाइस, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद होगा एक लाइक शेयर, जो भी प्यार बना रखना चाहते हो प्यार बना रखना। ये हमारे देखो तीन बंदर, ये कुछ बहुत अच्छा स्टैचू है, देखो कितना बढ़िया सा लग रहा है।